जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तेजेंद्र और आप देख रहे हैं UWT नेटवर्क। जी हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो आपके लिए बता दें, हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो है UWT नेटवर्क, ट्विटर अकाउंट है Tejendra77, इंस्टाग्राम अकाउंट है UWT नेटवर्क 1 और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है UWT नेटवर्क। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट का ऑप्शन दे रखा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिए बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी नई नई आपके लिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़, यहाँ पे डेली न्यूज़ अपडेट्स आपके लिए यहाँ पे शेयर की जाती हैं, आपके लिए शॉर्ट्स न्यूज़ और एजुकेशन से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड, कंप्यूटर से कोचिंग जो नोट्स होते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। और ये हमारा एक व्लॉग चैनल है, नया व्लॉग चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए यहाँ पे समय समय पर धमाकेदार व्लॉग समय समय पर मिलते रहें। और चलिए आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसको देखते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान और राजनीति। जी हाँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी। जी हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पे संविधान सभा। क्या हेडिंग? संविधान सभा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1949 में किया गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि प्रारंभ में, जी हाँ, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने गए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 10 लाख की जनसंख्या के लिए स्थान का अनुपात रखा गया था तथा प्रत्येक प्रांत के स्थानों की जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख संप्रदायों, मुस्लिम, सिख व साधारण में बांटा गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे, देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जी हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी के अंतर्गत और उसके बाद में देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सब कंपनी के अंतर्गत है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जी हाँ 1773, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है फर्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है कंपनी के अंतर्गत, तो वो है पिट्स इंडियन एक्ट 1784, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। और कंपनी के अंतर्गत है थर्ड पॉइंट है वो है चार्टर एक्ट 1793। और नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। अब नेक्स्ट है जो कंपनी के अंतर्गत नेक्स्ट है जो पॉइंट वो है चार्टर एक्ट 1813, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर एक्ट, किसके अंतर्गत है ये चार्टर एक्ट है ये, तो ये है कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833। और अब देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखते हैं कंपनी के अंतर्गत, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्टर एक्ट 1853, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसका कैबिनेट मिशन 1946। अगेन इसका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन प्लान 1947। नेक्स्ट है जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है पाकिस्तान हेतु पृथक संविधान सभा।
तो इसके बारे में अभी देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विभाजन, यानी कि अगस्त 1947 के फलस्वरूप जो संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए गठित की गई थी उसमें से कुछ सदस्य यानी कि लगभग 90 कम हो गए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। बंगाल, पंजाब, सिंध, NWFP और असम के सिलचर जिले यानी कि जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन कराए गए जिसके फलस्वरूप 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर 1947 यानी कि 1947 को सभा की सदस्यता घटकर 389 से यानी कि 299 रह गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम बैठक वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद यानी कि कंस्टिट्यूशनल एडवाइज़र पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता, जी हाँ, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। वह संविधान की प्रमुख यानी कि प्रारूप ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। इसी समिति के संविधान को फाइनल कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसार का प्रथम लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रस्तावना, जी हाँ, प्रेम्बल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। प्रेम्बल के अतिरिक्त मूल संविधान में यानी कि 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं जो वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 395 ही हैं, जबकि अनुसूचियाँ बढ़कर यानी कि सेजूल्स 12 हो गई हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिससे संविधान सभा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देशिका की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा को भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के सभापति तथा यानी कि 299 सदस्यों में से कुल 284 सदस्यों ने 29 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार यानी कि अडॉप्ट किया था। अब देखते हैं यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष यानी कि कमिटीज़। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रारूप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संचालन समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रांतीय विधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है यहाँ पे झंडा समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं जे बी कृपलानी। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। नेक्स्ट है यहाँ पे मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध को तथा अस्थाई एवं संक्रमण
उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही प्रस्ताव प्रभावी किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र रिपब्लिक घोषित किया गया। इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है, अब देखेंगे यहाँ पे संविधान के भाग यानी कि एक दृष्टि में, तो भाग दे रखे हैं यहाँ पे विषय और अनुच्छेद। तो भाग फर्स्ट, तो इसमें जो विषय हैं वो है संघ और उसके क्षेत्र, और अनुच्छेद हैं इसमें 1 से 4। नेक्स्ट है भाग सेकंड, तो इसमें है विषय है इसका नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग थर्ड, विषय है इसका मौलिक अधिकार और अनुच्छेद है 12 से 35। नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग फोर्थ, तो इसका जो विषय है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व और अनुच्छेद है 36 से 51। अब देखते हैं भाग फोर्थ का, तो विषय है इसका मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, और इसका अनुच्छेद नहीं दे रखा है इसमें। अब इसका जो नेक्स्ट है भाग वो है भाग फाइव, तो इसका विषय है संघ अनुच्छेद 52 से 151। नेक्स्ट है भाग सिक्स, विषय राज्य अनुच्छेद 152 से 237। अब भाग है सात, विषय है सातवें संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त। अब भाग है आठ, तो इसका विषय है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अनुच्छेद 238। भाग नौ, विषय पंचायतें अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक। भाग नौ का विषय नगरपालिकाएं अनुच्छेद 243-6 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे भाग 10, विषय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244-244 का। भाग 11, विषय केंद्र व राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245-263 तक। भाग 12, विषय वित्त संपत्ति एवं बाद अनुच्छेद 264-300 तक। भाग 13, विषय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अनुच्छेद 301-307 तक। भाग 14, विषय संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308-323 तक। भाग 15, विषय निर्वाचन अनुच्छेद 324-329 तक। भाग 16, विषय कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330-342 तक। भाग 17, विषय राजभाषा अनुच्छेद 343-351 तक। भाग 18, विषय आपात उपबंध अनुच्छेद 352-360 तक। भाग 18, विषय प्रकीर्ण अनुच्छेद 361-367 तक। भाग 20, विषय संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21, विषय अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 369-392 तक। भाग 22, विषय संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन अनुच्छेद 393-395 तक। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मूल संविधान और भारतीय राज्य। जी हाँ, मूल संविधान में राज्यों का विभाजन 4 प्रकार से था, का, खा, गा एवं घा राज्य। तो भाग का राज्य बिहार, असम, बम्बई यानी मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास यानी चेन्नई, उड़ीसा यानी कि उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रांत एवं पश्चिम बंगाल सम्मिलित थे, यानी कि कुल 9। भाग खा यानी कि राज्य जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब शामिल थे, यानी कुल 5। भाग गा यानी कि राज्य
भोपाल, अजमेर, कूच बिहार, बिलासपुर एवं कुर्ग इत्यादि, यानी कि कुल 5। भागगा राज्य यानी कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है राज्यों का पुनर्गठन। जी हाँ, इसका पॉइंट नंबर 1 है, वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर, जिसके फलस्वरूप देश 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ। राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 यानी भाषा के आधार पर बनने वाले 14 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई यानी कि मुंबई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, उड़ीसा यानी कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल और केरल। अब यहाँ पे जो क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र थे वो थे दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकोई व अमीन दीवी द्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे देखते हैं 1956 के उपरांत गठित राज्य, महाराष्ट्र तथा गुजरात 1960, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश 1966, त्रिपुरा एवं मणिपुर 1970, मिजोरम 1986, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड 2000, तेलंगाना 2014 में, नागालैंड 1963 में, मेघालय 1969 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, यानी कि ये थे 1956 के उपरांत गठित राज्य। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। तो पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघीय क्षेत्र बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार संविधान के सभी प्रावधान उनके संशोधनों, अपवादों एवं परिवर्तनों के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं और मुख्यमंत्री पर यह दायित्व दिया गया है कि वह सभी प्रशासनिक निर्णयों और कानून से संबंधित प्रस्तावों से उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से अवगत कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी केंद्रीय कानूनों के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के कानून अब नए संघीय क्षेत्रों पर लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की संपत्तियों और दायित्वों का बंटवारा एवं एक केंद्रीय समिति के सुझाव के अनुसार एक वर्ष में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य लोक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारी अगले एक वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे जब तक उनके विषय में नया निर्णय नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों संघीय क्षेत्रों की पुलिस और विधि व्यवस्था केंद्र के हाथ में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, धारा 370 के उपभाग यानी कि 3 के परंतक प्रोविजो में वर्णित शब्दावली संविधान सभा को सुधार कर अब उसे विधानसभा कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, जम्मू कश्मीर संघीय विधायी शक्तियाँ। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा संघीय क्षेत्र के पूरे भूभाग के लिए अथवा उसके किसी अंश के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि संसद द्वारा और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि कोई विसंगति है तो संसद का कानून माना जाएगा और विधानसभा का कानून निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री का ये काम होगा कि वह मंत्रिमंडल द्वारा संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित लिए गए निर्णयों और कानून बनाने के प्रस्तावों को उपराज्यपाल को बताएगा और अन्य ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जिन्हें उपराज्यपाल चाहें। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है, उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियाँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, संविधान की धारा 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल यानी कि लियोनटेड गवर्नर यानी कि LG की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के प्रावधान है कि जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों संघीय क्षेत्रों के लिए एक ही उपराज्यपाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी इसलिए वहां केंद्र उपराज्यपाल की सहायता के लिए परामर्शियों की नियुक्ति करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ तक जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की बात है, वहाँ का उपराज्यपाल अखिल भारतीय सेवाओं एवं भ्रष्टाचारी निरोधी ब्यूरो से संबंध मामलों के साथ साथ उन सभी विषयों पर अपने विवेक के अनुसार काम करेगा जो विधानसभा के क्षेत्राधिकार के बाहर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के सहयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, उपराज्यपाल को यह शक्ति होगी कि आदेश निकाले जो उतना ही प्रभावी होगा जितना कि विधानसभा द्वारा पारित कोई अधिनियम। अब यहाँ पे देखते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग है प्रभाव। तो पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 का सदन में उपस्थित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि 1954 के आदेश के दिन लद गए विदित हो कि उस आदेश में धारा 3 के साथ एक परंतु जोड़ा गया था जिसके अनुसार राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने घटाने अथवा उसका नाम बदलने अथवा उसकी सीमा संशोधित करने के बारे में संसद में कोई भी विधेयक नहीं लाया जा सकता जब तक कि विधानसभा सहमति ना दे दे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इसका, 1956 के आदेश के समाप्त होते ही राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं और संसद द्वारा आरक्षण सहित अन्य विषयों पर बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह देश के अन्य भागों में लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार का कहना है कि उसने प्रस्ताव के द्वारा एक पुराने भेदभाव को समाप्त किया है और जम्मू कश्मीर के निवासियों तथा देश के अन्य नागरिकों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की धारा 352 में एक उपभाग के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति के बिना अतिरिक्त पेपरबल अथवा आसन्न खतरे को छोड़कर किसी भी आधार पर आपातकाल जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया जा सकता। 1954 के आदेश के निरस्त हो जाने के कारण यह प्रावधान भी समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाने का तर्क। तो पहला पॉइंट है, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत में सच्चे तौर परिविलय को रोक रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, धारा 370 पक्षपातपूर्ण धारा थी क्योंकि यह लिंग वर्ग जाति और उत्पत्ति स्थान के आधार पर भेदभाव करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धारा की समाप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर में निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया और अंततः यह विकास की संभावनाओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निवेश बढ़ने पर रोजगार का सृजन होगा तथा यहां पर सामाजिक आर्थिक परिवेश बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे भारत वर्ष के लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने में निवेश करेंगे और बहुउद्देशीय कंपनियां यहां उद्योग लगा सकती हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है, विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन। तो 1991 केरल की राजधानी त्रिवंत्रम वर्तमान में है ये तिरुवंतपुरम। 1996 तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, तो इसका नाम बदल कर रख दिया है, वर्तमान में चेन्नई। नेक्स्ट है 1996 महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई, तो इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है वो है मुंबई। नेक्स्ट है 2001 पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, तो इसका नाम बदल के कर दिया है, वर्तमान में कोलकाता। नेक्स्ट है 2006 कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, तो उसका नाम बदल के रख दिया है इसका, वर्तमान में बंगलुरु। संघ एवं इसके क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद, ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो अनुच्छेद 1, संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। अनुच्छेद 2A, सिक्किम संघ के साथ संबंध निरस्त। अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकें। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है, वो है राष्ट्रपति। जी हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे संघीय कार्यपालिका, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भारत राष्ट्र अध्यक्ष हेड ऑफ नेशन होता है।
वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। वह भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्ट्रॉल कॉलेज द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी 17वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की कुल संख्या 4896 है, जिसमें 776 सदस्य संसद के यानी केवल संसद के निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत नहीं, एवं शेष 4120 सदस्य दिल्ली एवं पांडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के यानी कि निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफेवरल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। चुनाव का मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति यानी कि भारतीय का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले केवल महाभियोग इम्पचेमेंट लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है यानी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा क्षेत्र के 12 विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 का 3। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिल यानी तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। सन 1969 में एम हिदायतुल्ला को कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से दिलवाई थी। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग है राष्ट्रपति भवन एक दृष्टि में। तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में राष्ट्रपति भवन का नाम वाइस रीगल लॉज था। जब भारत सन 1950 में गणतंत्र बना तब राष्ट्रपति यहाँ रहने आए तो इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। सन 1952 में इसका नामकरण राष्ट्रपति भवन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस भवन का निर्माण सन 1913 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस भवन में निवास करने वाला प्रथम व्यक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन 1931 यानी कि इरविन था। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, वर्तमान में जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है प्रारंभ में इसे रायसीना पहाड़ी भी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन न केवल भारत के राष्ट्रपति का आवास एवं कार्यालय है बल्कि देश विदेश के गणमान्य अतिथियों, राष्ट्राध्यक्षों आदि का औपचारिक स्वागत स्थल भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति भवन में दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च सिविल सार्वजनिक सैनिक एवं खेल अलंकरण इसी भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की यानी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य संवैधानिक आपातकाल की अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर तथा वित्तीय आपात की
अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को की तथा तीसरी बार 25 जून 1975 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1962 के आपातकाल की उद्घोषणा के समय राधा कृष्णन, सन 1971 की आपात घोषणा के समय बीबी गिरी तथा सन 1975 की आपात की घोषणा के समय फरक्कुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो हेडिंग है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल अवधि यानी कि एक दृष्टि में, तो फर्स्ट जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 से 1963। कार्यकाल अवधि है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। नेक्स्ट जो नाम है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 से 1975। कार्यकाल अवधि है 13 मई 1962 से 13 मई 1967। नेक्स्ट जो नाम है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1897 से 1969। कार्यकाल अवधि है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। नेक्स्ट जो नाम है वो है बीबी गिरी, 1884 से 1980। कार्यकाल अवधि है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक। नेक्स्ट नाम है वो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, कार्यकाल अवधि है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 यानी कार्यवाहक। नेक्स्ट फिर है बीबी गिरी, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। नेक्स्ट है फरक्कुद्दीन अली अहमद, 1905 से 1977 यानी कार्यकाल अवधि 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नेक्स्ट जो नाम है वो है फरक्कुद्दीन अली अहमद, 1905 से 1977 यानी कि 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नेक्स्ट नाम है बी डी जत्ती, यानी 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक। नेक्स्ट नाम है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि 1913 से 1996 इनकी जन्मतिथि है ये, और इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नेक्स्ट नाम है वो है ज्ञानी जैल सिंह, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1916 से 1994, और इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। नेक्स्ट नाम है वो है आर वेंकटरम मण, यानी कि 1910 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। नेक्स्ट जो नाम है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी 1918 से 1999। इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर आर के नारायण, 1920 से 2007, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक। नेक्स्ट नाम है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी 1931 में से 2015 तक, यानी कि इनका जो जन्मतिथि है, और इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। नेक्स्ट नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, कार्यकाल है इनका 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। नेक्स्ट नाम है प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। नेक्स्ट नाम है रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक। अब जो नेक्स्ट नाम एक और जुड़ गया है वो है द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 24 जनवरी 1950 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अधीन प्रथम विधिवत चुनाव मई 1952 में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी रहे तथा द्वितीय निर्वाचन 1957 में वह पुनः निर्वाचित हुए। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति कार्यकाल कुल 12 वर्ष तक यानी कि सबसे बड़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव सन 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केटी शाह को हराकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उक्त पद के लिए 3-3 बार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को कार्यवाहक सहित शपथ ग्रहण करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद सन 1962 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तथा फरकुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बीबी गिरी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने एक समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मगर बाद में वह 1969 में निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट पॉइंट है अभी तक दूसरे चक्र की गणना से सिर्फ बीबी गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति पद के यानी कि 1969 के निर्वाचन के समय आत्मा की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़ पर मतदान करने की अपील निर्वाचकों से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है श्री बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का संघ में स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। सन 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी पराजित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति फरकुद्दीन अली अहमद का अंतिम संस्कार 1970 में संसद भवन के मुख्य फाटक के समीप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव यानी कि 1969 में निकटतम उम्मीदवार रहे और पराजित हो गए, मगर बाद में यानी कि 1977 में निर्विरोध आम सहमति से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बी डी जत्ती ऐसे एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मार्च 1970 में शपथ ग्रहण करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है भारतीय राष्ट्रपति को JB Veto की शक्ति प्राप्त होती है इस JB Veto के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने भी समय तक रोक सकता है। इस शक्ति का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था। अब यहाँ पे देखते हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान एक दृष्टि में, तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति प्रावधान है। और नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 53 प्रावधान संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पैचमेंट चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद में रिक्त पद को भरने हेतु निर्वाचन करने का समय, अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक उम्र में आर वेंकटरमण
77 वर्ष की आयु में आसीन हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष 1967 से 1969 तक सबसे कम रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फरकुद्दीन अली अहमद ज्ञानी जैल सिंह तथा APJ अब्दुल कलाम अल्पसंख्यक समुदाय से होते हुए राष्ट्रपति के उच्च पद पर निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री के आर नारायण ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग से थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश के राजदूत एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवा अर्पित कर चुके राष्ट्रपति के आर नारायण रहे हैं, उनकी पत्नी भी मूलतः विदेशी रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो वैज्ञानिक एंड साइंटिस्ट और साथ ही अविवाहित अनमैरिड भी थे। यह मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम है। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फरकुद्दीन अली अहमद नीलम संजीव रेड्डी ज्ञानी जैल सिंह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रतिभा पाटिल तथा प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पदधारी उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी भारत के 14वें यानी जबकि इस पद पर आसीन रहे व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से वह 13वें राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए जुलाई 2012 को संपन्न चुनाव में यानी भाजपा समर्पित प्रत्याशी PA संगमा को भारी मतों से पराजित किया। प्रणब मुखर्जी को 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SH कपाड़िया ने दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तथा 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। नेक्स्ट पॉइंट है, रामनाथ कोविंद को NDA के सभी घटकों का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पद पर विपक्ष की कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार यानी पूर्व लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, रामनाथ कोविंद को उनके पद की शपथ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेयर ने दिलाई थी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे हेडिंग है वो है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। पहला पॉइंट है इसका, राष्ट्रपति कार्यकारिणी का जहां नाममात्र का अध्यक्ष होता है वही वास्तविक कार्यपालिका कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायः राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक 1947 से 1964 तक कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1970 से 1979 थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, BP सिंह अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो 2 सीटों यानी बनारस उत्तर प्रदेश बड़ोदरा गुजरात से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ी। अब देखते हैं यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नाम और उनका कार्यकाल। तो पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। नेक्स्ट जो नाम है वो है गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक कार्यकाल है इनका 27 मई 1964 से 9 जून 1964। और नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से अगेन है इसका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। नेक्स्ट नाम है लाल बहादुर शास्त्री, कार्यकाल है इनका 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। नेक्स्ट नाम है इंदिरा गांधी, इनका जो कार्यकाल है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। नेक्स्ट नाम है वो है मोरारजी देसाई, कार्यकाल है इनका 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979। नेक्स्ट नाम है चौधरी चरण सिंह, कार्यकाल है इनका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। नेक्स्ट नाम है इंदिरा गांधी, इनका जो कार्यकाल है वो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984।
नेक्स्ट नाम है राजीव गांधी, इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989। नेक्स्ट नाम है बीपी सिंह, इनका कार्यकाल है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। नेक्स्ट नाम है चंद्रशेखर, कार्यकाल है इनका 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। नेक्स्ट नाम है पीबी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल है 21 जून 1991 से 16 मई 1996। नेक्स्ट नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल है इनका 16 मई 1996 से 1 जून 1996। नेक्स्ट नाम है एच डी देवगौड़ा, तो इनका जो कार्यकाल है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। नेक्स्ट नाम है आई के गुजराल, तो इनका जो कार्यकाल है 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998। नेक्स्ट नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनका कार्यकाल है 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999। अगेन इनका फिर नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 1999 से 21 मई 2004। नेक्स्ट नाम है मनमोहन सिंह, तो इनका जो कार्यकाल है 22 मई 2004 से 21 मई 2014। अब नेक्स्ट नाम है नरेंद्र मोदी, तो इनका जो कार्यकाल है 21 मई 2014 से वर्तमान तक। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है उप प्रधानमंत्री, जी हाँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिप्टी पीएम। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे उप प्रधानमंत्री के संबंध में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बाद सम्मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 1947 से 1950 यानी कि थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, सरदार पटेल 1947 से 1950, मोरारजी देसाई 1967 से 1969। नेक्स्ट है जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह 1970 से 1979, चौधरी देवीलाल 1989 से 1991 एवं एल के आडवाणी 2002 से 2004। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कैबिनेट। पहला पॉइंट है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सीमा संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं तथा मंत्रिमंडल केवल उन निर्णयों को लागू करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल की तुलना में मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें 16 से 70 तक सदस्य मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में मात्र 15 से 20 सदस्य ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग किया गया है, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द की को अनुच्छेद 252 से जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है विरोधी दल नेता। तो पहला पॉइंट है विरोधी दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में विरोधी दल के नेता का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल यानी कि पीपी को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या को का 10% स्थान प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो संसद भारत की संघीय विधायिका है, यह राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे लोकसभा। तो पहला पॉइंट है लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय यानी कि निम्न यानी सदन है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर यानी गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 84वें संविधान संशोधन सन 2001 के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या सन 2026 तक यथावत 545 बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों UTIs से निर्वाचित किए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा दो आंगल भारतीय वर्ग के सदस्यों का मनोनय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, इन सदस्यों में 530 सदस्य 29 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं।
तथा दो सदस्य आंगल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में सन 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित रिजर्व्ड हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 47 सीटें आरक्षित हैं। सामान्य कोटे की 412 हैं, संख्या 12 है, 412 है। अब यहाँ पे देखते हैं लोकसभा का राज्य 12 प्रतिनिधि एक दृष्टि में, तो समान सीट वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के गठन के पश्चात एवं राजस्थान, तो इसमें जो हैं 25 सीटें हैं। नेक्स्ट है झारखंड एवं असम, 14 सीटें हैं इसमें। और सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड ने एक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं गोवा 2 सीटें हैं। दिल्ली NCR को छोड़कर सभी संघ शासित प्रदेशों में एक। अब यहाँ पे देखते हैं असमान सीट वाले राज्य, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42, तमिलनाडु 39, कर्नाटक 28, उड़ीसा 21, पंजाब 13, महाराष्ट्र 48, बिहार 40, मध्य प्रदेश 29, गुजरात 26, केरल 20, हरियाणा 10, तेलंगाना 17, छत्तीसगढ़ 11, जम्मू कश्मीर 7, उत्तरांचल 5, हिमाचल प्रदेश 4, दिल्ली 7। अब यहाँ पे देखिए नोट यहाँ पे है, यहाँ पे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म करके उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व तथा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन इस संविधान द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। बाद में 44वें संशोधन 1978 द्वारा पुनः यह 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कई बार 1970, 1977, 1979, 1990, 1997, 1999 और 2004 में किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकाल यानी संकटकाल की घोषणा लागू होने पर संसद कानून द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि हो सकती है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, और इस संबंध में नियम है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 55 सदस्यों से होती है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हेडिंग है, लोकसभा की प्रथम बैठक एवं भंग होने की तारीखों का विवरण पहली से 15वीं लोकसभा तक। तो लोकसभा फर्स्ट पहली बैठक की तारीख 13 मई 1952, भंग होने की तारीख है यहाँ पे 4 अप्रैल 1957। लोकसभा दूसरी पहली बैठक की तारीख 10 मई 1957, भंग होने की तारीख है 31 मार्च 1962। लोकसभा तीसरी पहली बैठक की तारीख है 16 अप्रैल 1962, भंग होने की तारीख है 3 मार्च 1967। लोकसभा चौथी पहली बैठक की तारीख है 16 मार्च 1967, भंग होने की तारीख है 27 दिसंबर 1970। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकसभा पाँचवीं पहली बैठक की तारीख 19 मार्च 1971, भंग होने की तारीख 18 जनवरी 1977। लोकसभा छठी पहली बैठक की तारीख है 25 मार्च 1977, भंग होने की तारीख है 22 अगस्त 1979। लोकसभा सातवीं पहली बैठक की तारीख है 12 जनवरी 1980, भंग होने की तारीख है 31 दिसंबर 1984। लोकसभा आठवीं पहली बैठक की तारीख है 15 जनवरी 1985, भंग होने की तारीख है 27 नवंबर 1989। लोकसभा नौवीं पहली बैठक की तारीख 15 दिसंबर 1989, भंग होने की तारीख 13 मार्च 1991। लोकसभा दसवीं पहली बैठक की तारीख है 9 जुलाई 1991, भंग होने की तारीख है 10 मई 1996। लोकसभा ग्यारहवीं भंग होने पहली बैठक की तारीख है 22 मई 1996, भंग होने की तारीख है 4 दिसंबर 1997। लोकसभा बारहवीं पहली बैठक की तारीख है 23 मार्च 1998,
भंग होने की तारीख है 26 अप्रैल 1999। लोकसभा 13वीं पहली बैठक की तारीख है 20 अक्टूबर 1999। भंग होने की तारीख है 6 फरवरी 2004। लोकसभा 14वीं पहली बैठक की तारीख है 2 जून 2004। भंग होने की तारीख है 18 मई 2009। लोकसभा 15वीं पहली बैठक की तारीख है 18 मई 2009। भंग होने की तारीख है 16 मई 2014। लोकसभा 16वीं पहली बैठक की तारीख है 2 मई 2017। और भंग होने की तारीख है वर्तमान तक। नोट, समय से पूर्व भंग हुई, यानी कि जो यहाँ पे जो स्टार स्टार हैं, वो यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये सभी समय से पहले भंग हुई थी। कौन कौन सी थी वो समय से पहले जो भंग हुई थी, 27 दिसंबर 1970 वाली है ये, यानी कि लोकसभा चौथी। और फिर लोकसभा 5वीं समय से पहले भंग हुई थी, लोकसभा 6ठी, लोकसभा 8वीं और लोकसभा 11वीं, लोकसभा 12वीं, लोकसभा 13वीं। ये सभी जो स्टार वाली हैं वो मैंने बताई अभी आपके लिए, ये समय से पहले ही भंग हुई। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा, ये हेडिंग है ये राज्यसभा। तो पहला पॉइंट है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है। इसमें 238 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में आते हैं तथा 12 सदस्य यानी साहित्य कला विज्ञान सामाजिक सेवा में ख्याति प्राप्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यानी सभी राज्यों एवं 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली यानी 3 एवं पांडुचेरी यानी 1 मिलाकर 233 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। तो फर्स्ट है यहाँ पे जो नाम है राज्य का वो है उत्तर प्रदेश। सदस्यों की संख्या 31, संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, सीटें 3। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, सदस्यों की संख्या 19, संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी, सीट 1। नेक्स्ट नाम है तमिलनाडु, सदस्यों की संख्या 18। नेक्स्ट नाम है पश्चिम बंगाल एवं बिहार, सदस्यों की संख्या 16। कर्नाटक, सदस्यों की संख्या 12। नेक्स्ट नाम है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, सदस्यों की संख्या 11। नेक्स्ट नाम है वो है उड़ीसा एवं राजस्थान, सदस्यों की संख्या 10। केरल है नेक्स्ट नाम, तो इसकी सदस्यों की संख्या है 9। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, असम यानी असम व पंजाब, सदस्यों की संख्या 777। राज्य नेक्स्ट नाम है यहाँ पे झारखंड, सदस्यों की संख्या 6। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा, सदस्यों की संख्या 5। नेक्स्ट नाम है वो है जम्मू कश्मीर, सदस्यों की संख्या 4। नेक्स्ट जो नाम है वो है हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, सदस्यों की संख्या 3। नेक्स्ट नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, तो सदस्यों की संख्या है 1। नेक्स्ट जो राज्य है वो है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम व गोवा, सदस्यों की संख्या है 1। यहाँ पे देखिए अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो प्रथम अनुसूची विषय है इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी अनुसूची तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्षों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में उपबंध तथा भारत के निमंत्रण महालेखा परीक्षक से संबंधित में उपबंध। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरी अनुसूची, तो इसके विषय हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका के मंत्रियों एवं न्यायाधीशों इत्यादि के शपथ प्रारूप। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, विषय है राज्यसभा के स्थान का आवंटन। नेक्स्ट है पाँचवीं सूची, तो विषय है इसका अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं निमंत्रण संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है यहाँ पे छठी अनुसूची, तो विषय है इसके अनुसूचित
इसके विषय है असोम यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवीं अनुसूची, तो इसका जो विषय है संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची, तो इसमें जो विषय है वो है भाषाएँ। नौवीं अनुसूची, तो इसमें विषय कुछ नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पर दसवीं अनुसूची, तो इसका विषय है दल बदल के आधार पर निर्हरता के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है ग्यारहवीं अनुसूची, तो इसका विषय है पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है बारहवीं अनुसूची, तो इसका विषय है नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है यहाँ पे न्यायपालिका। तो फर्स्ट है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारत वर्ष 1937 से 1950 के दौरान संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रेसेंज में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत रहा था तथा 1958 तक यही पर कार्यरत रहा, तब इसे ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है नई दिल्ली भगवान दास मार्ग पर नए परिसर का निर्माण वर्ष 1958 में पूरा होने पर यह इसमें स्थानांतरित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में स्वतंत्रता के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मात्र 8 थी। नेक्स्ट पॉइंट है बाद में बढ़ते दबाव व कार्य को देखते हुए 1956 में 11 की गई तथा 1960 में न्यायाधीशों की संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1970 में 18 तथा 1986 में 26 की गई। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय संविधान सभा का संरक्षक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश एक बार नियुक्त होने के पश्चात 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायाधीश की पदावधि के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय हेडिंग है ये, तो इसका पहला पॉइंट है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान में है, परंतु इसको बोलेंगे हाई कोर्ट इंग्लिश में। तो इसका पहला पॉइंट है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान में है, परंतु संसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति उचित समझता है होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में भारत के कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्ष 2013 में पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तो नाम और स्थापना वर्ष, कार्यक्षेत्र और स्थापना स्थान व पीठ। उसका नाम है पहला इलाहाबाद, स्थापना वर्ष 1886, कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, स्थान व पीठ है इलाहाबाद लखनऊ में पीठ। नेक्स्ट नाम है मुंबई, स्थापना वर्ष 1862, कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीप। स्थान है इसके मुंबई यानी पीठ नागपुर, पणजी एवं औरंगाबाद। नेक्स्ट नाम है इसका कोलकाता, स्थापना वर्ष 1862, कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्थान व पीठ है कोलकाता। नेक्स्ट नाम है मद्रास, स्थापना वर्ष 1862, कार्यक्षेत्र तमिलनाडु व पांडिचेरी। स्थान व पीठ है चेन्नई, पीठ मदुरै। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नाम है वो है कर्नाटक, कार्य स्थापना वर्ष 1884, कार्यक्षेत्र कर्नाटक, स्थापना व पीठ है बेंगलुरु यानी कि धारवाड़ एवं गुलबर्गा। नेक्स्ट नाम है गुवाहाटी, स्थापना वर्ष 1948, कार्यक्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। स्थान व पीठ यानी गुवाहाटी, पीठ कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर। नेक्स्ट नाम है मध्य प्रदेश, स्थापना वर्ष 1956, कार्यक्षेत्र है मध्य प्रदेश और स्थान व पीठ जबलपुर यानी पीठ ग्वालियर एवं इंदौर। नेक्स्ट नाम है पटना, स्थापना वर्ष 1916, कार्यक्षेत्र बिहार, स्थान व पीठ पटना। नेक्स्ट नाम है पंजाब व हरियाणा, स्थापना वर्ष 1966, कार्यक्षेत्र पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़, स्थान व पीठ चंडीगढ़।
नेक्स्ट नाम है राजस्थान केरल, स्थापना वर्ष 1949, कार्यक्षेत्र राजस्थान, स्थान जोधपुर पीट्स जयपुर। नेक्स्ट नाम है केरल, स्थापना वर्ष 1958, कार्यक्षेत्र केरल व लक्षद्वीप और इसका जो स्थान है एर्नाकुलम। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे गुजरात, स्थापना वर्ष 1962, कार्यक्षेत्र गुजरात, स्थान है इसका अहमदाबाद। नेक्स्ट नाम है हिमाचल प्रदेश, स्थापना वर्ष 1971, कार्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, स्थान शिमला। नेक्स्ट नाम है आंध्र प्रदेश, स्थापना वर्ष 1954, कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, स्थान हैदराबाद। नेक्स्ट नाम है उड़ीसा, स्थापना वर्ष 1948, कार्यक्षेत्र उड़ीसा, स्थान कटक। नेक्स्ट नाम है जम्मू कश्मीर, स्थापना वर्ष 1928, कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर, स्थान श्रीनगर एवं जम्मू। नेक्स्ट नाम है दिल्ली UTS, स्थापना वर्ष 1966, कार्यक्षेत्र दिल्ली, स्थान दिल्ली। नेक्स्ट नाम है सिक्किम, स्थापना वर्ष 1975, कार्यक्षेत्र है सिक्किम, स्थान गंगटोक। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे वो है छत्तीसगढ़, स्थापना वर्ष 2000, कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़, स्थान बिलासपुर। नेक्स्ट नाम है उत्तराखंड, स्थापना वर्ष 2000, कार्यक्षेत्र उत्तराखंड, स्थान नैनीताल। नेक्स्ट नाम है झारखंड, स्थापना वर्ष 2000, कार्यक्षेत्र झारखंड, स्थान रांची। नेक्स्ट नाम है मेघालय, स्थापना वर्ष 2013, कार्यक्षेत्र मेघालय, स्थान शिलांग। नेक्स्ट नाम है मणिपुर, स्थापना वर्ष 2013, कार्यक्षेत्र मणिपुर, स्थान इम्फाल। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे त्रिपुरा, स्थापना वर्ष 2013, कार्यक्षेत्र त्रिपुरा, स्थान अगरतला। जी हाँ, अब यहाँ पे देखा है पॉइंट दे रखा है, पॉइंट पहला पहले यानी 1973 से पहले तक मैसूर उच्च न्यायालय नाम था। नेक्स्ट है यहाँ पे 1971 से पहले असम यानी असम उच्च न्यायालय नाम था। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो हेडिंग है वो है आपात प्रावधान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एवं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपात के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि एक वर्ष तक यानी एक बार में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आपात के समय सरकारें निलंबित नहीं होती हैं बल्कि वह संघ की कार्यपालिका को के पूरे निमंत्रण में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं परंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 में दिया गया प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 356 के तहत सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह सुनिश्चित हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है अथवा राजसंघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो ये थी हमने आज बात करी यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राजनीति के बारे में।
और अब आपने वीडियो एंड तक देख लिया है तो सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी इसके लिए मिल सके। और मिलेंगे नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।